कृपत्वा संसार सागर निमा जगशेष जनन्तु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दर्शनम यस्य वैराग्य वर्धक मग्नाशकम् प्रशान्तिदायकम् च वन्दे सुनील सागरम्। जय बोलो देवादि देवी का जरा श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन है श्री महावीर भगवान की, मुनिगुंजा ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की। अभी सभी गुरुओं की पूजा की है अपन, हाथ ऊंचे करके उत्साह से जयकारा लगाएंगे। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पटाधीश्वर्या चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञानोपयोगी मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक चेक पोस्ट पर एक अधिकारी काम करता था। चेक पोस्ट पर उसका काम कि जो भी गाड़ी वगैरह जा रही है उसमें कोई अनैतिक माल नहीं हो, कोई वैसे कोई गलत व्यक्ति नहीं हो। प्रतिदिन का क्रम था कि वहां से एक व्यक्ति साइकिल पर रेत जो होती ना, रेती का बोरी साइकिल के पीछे स्टैंड पे लगा के जाता था। अब जो अफसर था, अधिकारी था, वो रोज उसे चेक करता। अब रेत की बोरी में तो कुछ भी नहीं था, उसे जाने देता। रेत पे टैक्स भी नहीं लगता, साइकिल का भी टैक्स नहीं लगता, साइड के रोड से वो चला जाता। रोज का ये क्रम था, रोज वो अफसर देखता तो उसे लगा उसका रास्ता ही ये होगा, आगे की तरफ पे मजदूरी करने जाता होगा तो रेत लेकर के जाता है। उस अफसर का कार्यकाल पूरा हुआ और उस कार्यकाल के बाद वो उस चेक पोस्ट के उस तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि वहां पर एक साइकिल की दुकान थी, बहुत सारी साइकिल रखी हुई थी। और उसको देख करके आश्चर्य हुआ कि वो साइकिल की दुकान का मालिक और कोई नहीं, वो वही व्यक्ति था जो रोज रेत की बोरी लेकर के चेक पोस्ट के उस पार जाता था। मालूम किया तो पता चला कि वो रेत की बोरी लेकर के जाने वाला व्यक्ति वो वैसा व्यक्ति था जो तस्करी करके रोज एक नई साइकिल इस पार से उस पार चेक पोस्ट से ले जाता था और उस पर रेत की बोरी लेकर के ले जाता था। उस अधिकारी को भी समझ में आया कि मैंने पूरा समय सिर्फ रेत की बोरी देखने में लगाया, जो मूल चीज थी उसको तो देखा ही नहीं, जांचा ही नहीं, पकड़ा ही नहीं। जीवन में भी कहीं इस तरह की भूल ना हो रही हो, जो गैर जरूरी चीज है जिसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है उसी को देखने में, जानने में, उसी को टटोलने में, उसी को बढ़ाने में जीवन चला जाता है। और जो बहुत मूल तत्व है, जो मुख्य है, जिसके आधार से सब चीज है, वो कई बार बहुत ज्यादा नजरअंदाज हो जाती है। शरीर शरीर की चीजें, लक्ष्मी अधिकार, इसी को बढ़ाने में जीवन जा रहा है। पंक्तियां आती है, लक्ष्मी अने अधिकार वधता, शू वध्यू ते तो कहो क्या बढ़ गया। आत्मा का उसमें उस चेतना का कितना वजन बढ़ गया, क्या चीज बढ़ गई, कितना मूल्य कीमत बढ़ गई। अधिकार चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। कहते हैं वधवा पणु संसार नो नर देह नीए हार छे, नर देह की इस मनुष्य भव की वो हार है। अगर भी सर हम चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, संसार ही बढ़ा रहे। केशों के पीछे भी कितना सारा कैश आजकल तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। कोई भी देखो तो हेयर कलर के साथ, हेयर स्टाइल के साथ नजर आता है। ये नजारा जो यहाँ आपके सामने दिख रहा है वो कितनी जगह नजर आता है दुनिया में बताओ, जो बिना कैश के अपने केशों को अपने हाथों से उखड़ने का उपक्रम करते हैं। नर जीवन को सार्थक किया है, उस मूल तत्व को देखा है, जाना है, पहचाना है और जीता है। संसार को जीतना, इस नर पर्याय को सार्थक करना, वो जीतने वाले, वो विजेता, जिनेंद्र पथ पर चलने वाले, ऐसे आपके सामने
अध्यात्म योगी बैठे हैं जो मूल तत्व को पकड़े हैं और सबके लिए परोसते हैं, सभी को वहीं तक पहुंचाते हैं। बहुत दुर्लभ है रिकॉर्ड्स बनाने में, लगी रहती है दुनिया, ये रिकॉर्ड बना दूं, वो रिकॉर्ड बना दूं, वो रिकॉर्ड वालों को बताओ तो सही कि कभी ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि किसी कोई ऐसा भी हुआ जो 7 दिन तक कुछ नहीं लेता और फिर एक वस्तु का आहार होता है, ऐसा रिकॉर्ड बना नहीं। उस चीज को देखने वाले और पहुंचाने वाले कितने, ज्ञान के शोषण में कई रिकॉर्ड बनते हैं। ऐसे भी आचार्य हुए जो अभी आपके सामने भी है, पूर्व में भी हुए, जिनके सिंहासन पर बैठे घंटों लगातार वो शास्त्रों का पारायण बिना देखे लगातार 8-8 घंटे 10-10 घंटे गाथाएं बोल सकते हैं बिना देखे, ऐसा रिकॉर्ड बनता है। अपने संयम काल में 10,000 से अधिक निर्जल उपास करने वाले और उन्हीं के लघुनंदन यहाँ पर आप सबके, आप सबने देखा है, जाना है, आपका अनुभव बोल रहा है, तब तो यहाँ रुकने के लिए निवेदन हो रहा है। हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ये केशलोच आप सबको दिख रहे हैं यहाँ पर, आपका सौभाग्य है। और हम यही कहेंगे, अगर आचार्य भगवान का केशलोच हो रहा होता तो आपको ऐसे देखने नहीं मिलता, क्योंकि वो ऐसे कभी भी, आपको लग रहा होगा शिष्यों का ऐसा मंच पे करा रहे तो खुद की तो बड़ा प्रचार प्रसार होता होगा, खूब बोलियां लगती होगी, खूब बड़े ठाट से केशलोच होता होगा, जब शिष्यों का ऐसा हो रहा है तो उनमें तो क्या कमी रहती होगी। पर आप सबके लिए बता दें कि वो शिष्यों के लिए तो ऐसा करवाते हैं कि आप सबके लिए वैराग्य वर्धक दृश्य सामने आए, उनका तो केशलोच कब कहां हो जाता है पता भी नहीं चलता है। आज तक का रिकॉर्ड है, उन्होंने कभी भी मंच पर या ऐसे खुले में सबके सामने केशलोच नहीं किया। जैसे उनकी स्वाधीनता शुद्धि के लिए गए होंगे, वहां कोई जंगल जैसा या कोई पेड़ इस टाइप का कोई स्थान मिल जाएगा तो वहीं बिना किसी वस्तु की जरूरत के केशलोच प्रारंभ हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा। आचार्य आए नहीं तब तो शिष्यों को पता चलता है कि वहाँ केशलोच प्रारंभ हो चुका है। ना राख की कोई जरूरत पड़ती है, ना कोई चांदी की थाली चाहिए पड़ती है, और ना कोई कैश की बोली लगती है। इतनी निष्प्रहता के साथ जो अपनी साधना में लगे हुए हैं, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, जंगलों में, इसी टाइप से अभी पिछली बार तिजारा में भी हुआ तो चंदा प्रभु के चरणों में किसको पता था, गए वंदन किया केशलोच प्रभु चरणों में, कंदरा गुफाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में, भेद विज्ञान को, वैराग्य को बढ़ाते हुए जो इस टाइप का अपने प्रतिकर्मों का, अपने मूल गुणों का पालन करते हैं, दुर्लभ है आज के समय में। और खुद पालन करना और सबसे बड़ी बात दूसरों को मोक्ष मार्ग में इस तरह से लगाना, दूसरों से पालन करवाना, इतनी सजगता के साथ, इतनी उपलब्धियों के बाद भी आज अब भी अनुभव किया होगा, उन्होंने अपनी पूजा नहीं करवाई, पूजा हो रही थी तो क्या कहा पूर्वाचार्य, इतनी महान उपलब्धियों के बाद भी गुरु कृपा है, गुरु के लिए करना, गुरु का होना, और फिर शिष्यों के लिए भी बिना ममत्व के मोक्ष मार्ग में लगाए रखना, शिथिलता को पोषण नहीं देना। केशलोच की बात चल रही है तो एक प्रसंग सुना के बात को विराम करना चाहेंगे। आचार्य परमेष्ठी के जो एक गुण होते हैं, इतनी छोटी उम्र में इस तरह का दायित्व, इस तरह की जिम्मेदारी इतनी सफलता पूर्वक निभाना, आचार्य यानी खुद तो पालन करते हैं पर दूसरों से भी पालन करवाना, आपका एक ही तो बच्चा होता है वो भी आपकी बात कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप कहते हो ये करो ये करो ये करो, और आचार्य भगवान ऐसे हैं जो कहते नहीं रहते कि ये करो, वो खुद करते हैं। अभी तो खैर इतनी गर्मी का अनुभव नहीं हुआ, पिछली बार इतनी भीषण गर्मी और लगातार दोनों टाइम विहार होता था, वैसा विहार करके आएंगे तो आते थे तो ऐसा ही लगेगा ना पानी डालो और लेटो, पर इतना विहार करके आने के बाद भी खुद स्वाध्याय करने बैठ जाना तो जिसका मन हो भी रहा होगा वो भी अपने आप उनके चरणों में बैठ जाएगा। आहार चर्या के बाद लगेगा अब तो थोड़ा विश्राम कर ले, पर जब गुरुदेव को इतने विहार करने के बाद भी भरी धूप में खड़े होकर सामायिक करते हुए शिष्य देखते हैं तो शिष्यों को अब कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप अपने कृति कर्मों में, कर्तव्यों में लग जाते हैं। ऐसा ही
दृश्य था उदयपुर की बात है। मुनिराज केशवज करने के लिए बैठने वाले थे, नई नई दीक्षा वाले मुनिराज थे, अभी तो वो बाहर प्रभावना कर रहे, तो केशलोच तो होता था, पर उनको उस दिन था मैं खुद से केशलोच करूंगा। तो गुरुदेव का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गुरु की कृपा है कि वो हमेशा केशलोच प्रारंभ कर देते हैं तो सहजता से हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। गुरुदेव अब आएंगे शुद्धि से तो मैं केशलोच करवाऊंगा। मुनिराज बैठे थे और आचार्य भगवान पहुंचे वहां पर कि केशलोच करके दिखाऊं, तो वहां पर मुनिराज के पास चार पांच बैंडेड पड़ी थी। तो गुरुदेव ने बड़े प्रेम से शांति से इसे मुस्कुराते पूछा, ये क्या है? तो विनम्र भाव से शिष्य ने भी कहा, गुरुदेव पहली बार कर रहा हूँ, हाथ कट गए, कुछ हो गया तो क्या करूंगा इसलिए। राजर्षि ने तुरंत पूछा, कहाँ से आई? पूछा मतलब इशारे से उनका तो जलता है कि कहाँ से आई। उसने कहा एक श्रावक ने ला दी थी। तब आचार्य भगवान ने स्थितिकरण करते हुए जिस रूप से उत्तर दिया और कहा, सुनना। आचार्य भगवान ने कहा, बेटा ये 10-15 रुपए की बैंडेड मंगा ली, उससे तो अच्छा कैंची मंगा लेता तो काम आसान हो जाता। समझ में आ रही है बात? शिष्य को तुरंत समझ में आएगा ये अयाचक भक्ति का स्वाधीनता का मार्ग है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा संबोधन भी दे देते हैं, मार्ग में स्थित भी कर देते हैं, तो वात्सल्य के साथ फिर खुद उन्होंने उंगली पकड़ करके केशलोच करना सिखाया कि उंगली कटने लगे तो उंगली बदल दो, हाथ बदल दो, ऐसे करो, और पूरा ऐसा सिखा करके बिना बैंडेड के पूरा केशलोच। केशलोचन मतलब किसी से कुछ मांगना नहीं है, अहिंसा का पालन तो है ही, स्वाधीनता है, भेद विज्ञान की परीक्षा है, अयाचकपना है, गुरु स्वयं करते हैं, और ये आचारवान व्यवहारवान आधारवान आचार्यों के जितने भी गुण हैं, सभी गुण इनमें झलकते हैं। डांटते भी है तो इतना प्यार से डांटते हैं कि सामने वाले को स्थितिकरण तो हो जाता है, पर कभी भी प्रायश्चित देना, परिसारित्व, अपरिकृत्व, निर्पायक, निर्यापक तक के सभी गुणों का शिष्यों को पालन करना। शिष्य तो क्या, तिर्यंच भी उनके चरणों में पालन करता है। एक बार का प्रसंग है, ऐसे ही बैठे हुए थे आचार्य भगवान पढ़ा रहे थे, तो तोता आया, तोता आकर के बैठा और सीधा आचार्य भगवान की उंगली को काट लिया। शांतिनाथ जी का प्रसंग है। अब काट लिया तो आचार्य भगवान ने ऐसे नहीं, जरा सा इतना किया, उसको इतना मन में लग गया कि जैसे सचमुच उसकी गलती हो गई हो। माइक पर बैठा रहा पूरा दिन, उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, नमस्कार करके शाम तक उन्हीं के पास रहा, फिर चला गया। यानी खुद को ही एहसास हो जाता है अपनी गलतियों का, खुद ही क्षमा भाव कर लेते हैं, और ऐसे विशाल संघ का, समाज का नेतृत्व करते हुए सभी को मोक्ष मार्ग में लगा रहे हैं। चारों आराधनाओं में दक्ष, जहाँ सम्यक दर्शन की बात हो या सम्यक ज्ञान की, चारित्र या तप, एक साथ सभी आराधनाओं में दक्षता होना, ये अपने आप में आज का समय का अनुपम उदाहरण है। तो हम सभी ऐसे आचार्य भगवान का अधिक से अधिक, आपके पास में ही चातुर्मास होने वाला है तो अधिक से अधिक आप सभी लाभ लेंगे। और इसी बात के साथ कि कैलाश नगर वाले भी बैठे हैं और गुरु आज्ञा से कल चार आरिका माताजियों को भी वहां पर, गुरु को ही गुरु ही करते हैं, हम कुछ करने वाले नहीं, पर उनकी आज्ञा से वहां पर भी जाने का रहेगा। तो गुरु चरणों में यही नमन करते हुए कि आपका परम आशीर्वाद बना रहे, कि जिनवाणी का सही सही करते रहे, और जैसे शरद जी की भावनाएं वहां से लौटने पर कहीं और नहीं, यही आगमन यहां पर आना हो, जैसे जो भी होगा गुरु चरणों में पहुंचना है, तो इसी दिव्य मंगल भावना के साथ गुरु चरणों में कोटिशा नमन करते हुए हम सभी के लिए अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।